कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने सभी थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। इसी क्रम में एनकेजे पुलिस ने एक युवक को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। युवक के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जो कि चोरी की बताई जा रही है। एनकेजे पुलिस जब इलाका भ्रमण कर आ रही थी, तभी सुर्खी टैंक के पास लोहे की कुर्सी में बैठा उसे एक युवक दिखा, जिसके हाथों में धारदार चाकू था। पुलिस को देखकर युवक ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने इसे दबोच लिया है। इस बारे में थाना प्रभारी एनकेजे नीरज दुबे ने जानकारी दी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला कटनी के द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं सभी पर नजर बनाए रखी जाए एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इसी तारतम्य में पेट्रोलिंग पार्टियां रवाना थी, जो आज दिनांक 24/8/2023 को अपने को सूचना मिली कि एक व्यक्ति सूर्खी टैंक के पास चाकू लहरा रहा है, जिस पर पेट्रोलिंग पार्टी तुरंत पहुंची। वहां पे वो पुलिस को आता देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया। उक्त व्यक्ति को पकड़ने के पश्चात उस व्यक्ति की तलाशी ली गई, जो जिस व्यक्ति के पास एक धारदार बका मिला। उस व्यक्ति के संबंध में उसका नाम पूछे, जिसने अपना नाम प्रकाश दुबे और अभिषेक दुबे बताया, निवासी एनकेजे प्रेमनगर का उन्होंने बताया था। व्यक्ति के पास एक मोटरसाइकिल भी मिली, जिसके संबंध में कागजात से पूछताछ की गई, जो कोई कागजात तो होना नहीं बताया। इस संबंध में गहनता से पूछताछ करने पर उसने यह बताया कि यह मोटरसाइकिल उसने माधवनगर में 16/8/2023 को चुराई थी। जिस संबंध में थाना माधवनगर में अपराध भी कायमी है। यह व्यक्ति शातिर चोर है पुराना, जिससे और भी संबंध में पूछताछ की जा रही है, और भी चोरियों होने का खुलासा हो सकता है।